भैया बिल्कुल ना पखी आ जो अज तो चार दिन पहला असि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन अखबारों ने इन्हों कवर किया है इन्हों तक खबर पहुंचिया हुई ने उस तो बावजूद भी चार दिन साइलेंट रहना इन्हों की इस मंशा जाहिर करता है कि ये इंट्रस्टड नहीं सी गल करन दे विच और ये भी मंशा जाहिर करता कि कहिंदे ने कि जो असं नोटिस कढ़े ने सही कढ़े ने सो उहदे विरोध दे विच मजबूरन सानू अज चौवां दिनां बाद इत्थे सड़कां दे उत्ते उतरना पिया आ और इत्थे तस्वीरां लाउण दे लई असीं आए और अज इन्हां नूं लग्गा कि माहौल खराब हो रहा की माहौल उस दिन खराब नहीं सी हो रहा जिद्दां उह तस्वीरां लहाईआं जा रहीआं सी नोटिस कढ़ के ड्राइवर जबरदस्ती धमका के तुहाडियां नौकरियां भी जा सकदियां उदन माहौल खराब करना प्रशासन ने शुरू किया पीआरटीसी ने शुरू किया असीं उस माहौल नूं ठीक करन दे लई कि जिहड़ियां तुसीं लुहाईआं ने उहनां नूं लाउण दे लई और अपने लोगों के सीने दे विच ठंड पाउण दे अज इत्थे आए हां जे इह अज वी सानूं इह काम नहीं करन देणगे तां असीं पंजाब दीआं हरेक जथेबंदियां नूं अपील करदे हां कि सड़कां ते उतरन इह कोई साडे कल्लिआं दी शख्सीयतां नहीं गीआं संत जरनैल सिंह जां भाई जगतार सिंह वारा इह पंथक शख्सीयतां ने पंथ दी जिम्मेवारी बनदी है कि इहनां दा आदर माण सत्कार बहाल करना और जेकर अज इह लिखती नोटिस इत्थों वापस नहीं लैंदे पीआरटीसी वाले ते असीं इह मुहिम पूरे पंजाब दे विच तोरां किते ना किते इस वेले जिहड़ा माहौल बन रिहा हैगा इत्थे दा उह तुहानूं खदेड़न वास्ते जिद्दां असि इस चीज बिलकुल तैयार हाँ असि दो चीजा मिथक है जो अपना नोटिस वापस लवे पी आर टी सी जे नहीं तो संघर्ष के लिए असं तैयार हो गए साडा संघर्ष फेस करने लिए तैयार रहे प्रशासन ने जो अपनी जिम्मेवारी करनी वो करे साडी जो जिम्मेवारी बनती पंथ प्रति वो असी निभावांगे पी आर टी सी अपना नोटिस वापस लवेगी तो मुहिम रुकेगी जे नहीं दे आने वाले दिनों भी अगे चले जारी करके पी आर टी सी जीएम थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया पी आर टी सी जिन्निया बसा उन्होंने जिन्ने भी पोस्टर सन जरनैल सिंह भाई जगतार सिंह वाला साडे नायकां दे पोस्टर जिहड़े उतारे जाण जेकर कोई कंडक्टर ड्राइवर नहीं उतारदा तो उन्होंने जो बर्खास्त किया जाता उन्होंने धमकियां दित्तियां ने यह गल्लां जिहड़ियां सुनने च आईआं ने धक्के लवाए भी ने असं यह कहना चाहते हैं भी किसी ने धक्के लवाए तो नहीं जा असं लवाए दसो तुम धक्के सू हम इना भी अधिकार नहीं इन्हों तो पुछ के असं अपने नायक तस्वीर लगा जे कोई कंडक्टर ड्राइवर अपने किसी नायक मानता नायक मानता वो तस्वीर लगानी चाहता ये कौन होंगे लगाने वाले असं अज तक धक्के लाइया नहीं ये लवाइया जा तो अपना नोटिफिकेशन जो वापस लैन अपनी गलती मन गिल्टी फील कर नहीं तो असं जो अपना निरंतर प्रोग्राम जारी रखा जे अज सू दबाव पा के डक लैन के धक्के फड़ रहे हैं प्रशासन फोर्सेस ला के तो अगे जो दिन नहीं आने असं हम रुका धक्का मुक्की करते हैं ड्रामा इन्ना खुद करना ही है बच्चे होंगे बेचारे अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं पर असं अपना काम जो निरंतर जारी रखा कदम सर जी एम साहब ने इन्होंने बुलाया क्या जी एम साहब मिलना चाहते हैं देखते हैं गलबात करते हैं नहीं तो उस तो बाद असं अपना उधर इधर पास होवे अपनी गल भी करा पिछले दिनी पंजाब सरकार पी आर टी सी वालों एक नोटिफिकेशन जारी होया जिहदे विच सांझे नैर सिंह खालसा भिंडरांवाले ते भाई जगतार सिंह हवारा दा बाई नेम नाम लिख के उन्हां दीआं तस्वीरां लाउण दी गल जिहड़ी ओह कही गई और बठिंडे दे विच इह घटना वापरी उत्थे मौके ते साडे बाबा हरजीत सिंह महाराज जिहड़े दल खालसा दे आगू ने उन्हां ने जाके उहदा विरोध कीता उत्थे उन्हां दे नाल उन्हां दी बहस भी होई उस तों बाद असीं दल खालसा वल्लों सरकार नूं इह इक अल्टीमेटम दित्ता कि इह जिहड़ा नोटिफिकेशन है वापस लिया जावे इह इक तरफा इह समाज दे विच अशांति फायदा पैदा करूगा पर सरकार ने पंज तरीक दी कॉन्फ्रेंस तों बाद अज नौ हो गई है सरकार ने कंते जू नहीं सरकी असी कहा सी कि जे वह वापस नहीं लेगी तो असी फिर पंजाब दे अंदर जिहड़ियां पी आर टी सी बसा उत्ते उन्हां दीआं फोटो लावांगे एक ये दूजी जो असं अज इत्थे आए तो पुलिस प्रशासन ने सानू ये भरोसा दिता कि जी एम तुहाडे नाल मिलना चाहुंदे ने तो तुहाडी गल सुन के उन्हों
ਡਿਸਪਿਊਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀਐਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਨੋ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।